हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एतज़ाज़ अली। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 133 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएंस लव्स की माना होती है कि चेंज करना, समथिंग चेंज। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ चेंजिंग करने से श्योरिटी डिस्चार्ज देता है, यानी कि श्योरिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। एनी वेरियंस, कोई यानी कि तब्दीली, कुछ चेंजिंग्स मेड विदाउट श्योरिटीज़ कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके टर्म्स में वेरियंस यानी चेंजिंग करने से, और वही चेंजिंग श्योरिटी की कंसेंट के बगैर हो, तो डिस्चार्ज द श्योरिटी ड्यू टू वेरियंस। वेरियंस की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए गिव श्योरिटी ऑफ बी टू सी। एक बंदा है जिसने बी की श्योरिटी दी, किसको? सी को। दैट यू गिव हिम कार इन 30 लाख रुपीज़। आप इसको कार दें 30 लाख रुपीज़ में। बी विल पे द 30 लाख रुपीज़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वो दिसंबर मंथ में आपको 30 लाख रुपीज़ पेमेंट करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज़ मेड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन गया। एंड देन सी एंड बी बोथ मेक वेरियंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ ए। जब वो दोनों बंदों ने वेरियंस यानी चेंजिंग्स की टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट किया ए की कंसेंट के बगैर, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि दैट यू गिव मी 50 लाख रुपीज़ इन दिसंबर एंड 50 लाख रुपीज़ इन मार्च। पहले क्या थी कि उसको 30 लाख रुपीज़ दिसंबर में दिए जा रहे थे, मगर अब उसको क्रेडिटर कह रहा है कि आप 15 लाख मुझे दिसंबर में दें, 15 मार्च के मंथ में 15 लाख रुपीज़ दें। अब देखें कि पहले 30 लाख रुपीज़ थे, अब वेरियंस कॉन्ट्रैक्ट में हो गई भाई। नाउ ए इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम इज लाइबिलिटी, उसकी अब लाइबिलिटी नहीं क्योंकि वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।